हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल रमन राजपाल, राजपाल से सरल अकेडमी की तरफ से इस न्यू वीडियो में डायरेक्ट टैक्स के सैलरीज हेड की कुछ ट्रिकी पॉइंट्स लेकर आया हूं। और ये ट्रिकी पॉइंट्स मोस्टली हर प्रोफेशनल एग्जाम में पूछी जाती हैं। वो ट्रिकी पॉइंट्स क्या हैं, आइए तो एक एक करके देखते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब जो प्रोविडेंट फंड होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अलग अलग प्रोविडेंट फंड्स का उसमें जो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन जाते हैं, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन पीएफ, उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, आइए तो डिटेल में समझते हैं। पीएफ के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड टेबल दिया हुआ है, उसमें उसने पीएफ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, रिकॉग्नाइज्ड पीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है पहले समझ लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड द प्रोविडेंट फंड व्हिच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज कॉल्ड एज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है द फंड व्हिच इज गवर्न्ड बाय द प्रोविडेंट Funds Act 1925 is called as statutory provident fund, and public provident fund का मतलब होता है provident fund operated under the public provident fund Act 1968। अब अलग-अलग scenarios में PF के amount का taxability कैसे होगा, detail में हम लोगों को दिया गया है। Particulars में वो हम लोगों को employer's contribution, employee's contribution और interest credited की detail दे रहा है। PF का mechanism कैसे होता है कि employee के salary से employee कुछ part खुद contribute करता है, similarly employer को भी पीएफ में कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और इन दोनों अमाउंट्स पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है, और रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉई को उस पीएफ अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है। तो अलग अलग सिनेरियोस में टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस क्या हैं, आइए देखते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया हुआ है अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर 12% ऑफ सैलरी तक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पर 12% से ज्यादा जो भी पोर्शन वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो एक्सेस पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। Employees contribution is eligible for deduction under section 80C and interest amount in excess of 9.5% per annum is taxable. और अगर 9.5% तक हम लोगों को मिल रहा है तो वो exempt हो जाएगा। फिर यहाँ पे unrecognized provident fund की detail दी हुई है। Employers contribution not taxable yearly, employees contribution not eligible for deduction, interest not taxable yearly. जब retirement के time पे employee को PF account का balance pay किया जाएगा वो time पे इसको tax किया जाएगा। आपको रिटायरमेंट पे जो अमाउंट दिया जाएगा उसमें से एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन पीएफ दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट एज अ सैलरी इनकम, क्योंकि एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो हम लोगों को ईयरली बेसिस पे अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन अलाउ नहीं किया गया था, तो वो उस ईयर में ही टैक्स हो गया होगा। इसीलिए मैच्योरिटी के टाइम पे आपको सिर्फ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन पीएफ को ही टैक्सेबल कंसिडर करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसमें दिया है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयज contribution eligible for deduction under section 80C, interest fully exempt. अब recognized provident fund में और statutory provident fund में यही basic difference है कि recognized provident fund में हम लोगों को employer's contribution और interest पे exemption की limits दी गई थी, statutory provident fund में employer's contribution और interest की कोई भी limit नहीं है। जितना भी employer's contribution होगा वो exempt होगा, employee का contribution 80C deduction के लिए eligible होगा, ये दोनों में common point है, और interest statutory provident fund में fully एग्जेम्प्ट होगा, कोई भी लिमिट नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड नॉन एम्प्लॉयड असेसीज भी ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन भी ओपन करवा सकते हैं, तो उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के कॉलम में उसने दिया है नॉट एप्लीकेबल एज देयर इज ओनली असेसीज ओन कंट्रीब्यूशन एंड दैट असेसीज ओन कंट्रीब्यूशन इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट विदाउट एनी अपर लिमिट। नीचे उसने नोट में मेंशन किया है सैलरी फॉर दिस पर्पस means basic salary and dearness allowance if provided in the terms of employment for retirement benefits and commission as a percentage of turnover. अगर commission percentage basis पे turnover पे based है तो ही उसे salary में count किया जाएगा, fixed commission को हम लोग salary में count नहीं करेंगे। Recognized provident fund के केस में एक और variation है, वो इस diagram में अच्छे से explain किया गया है। Exemption of accumulated balance of RPF payable to employee, इसमें exemption के लिए हम लोगों को evaluate करना है,
unless the employee rendered continuous service of at least 5 years with the employer? If yes, then the amount will be exempt. If no, तो हम लोगों को चेक करना है. Are his services terminated due to 1. His ill health, 2. Contraction or discontinuance of employer's business, 3. Any other cause beyond the control of employee. इसमें हम लोगों को indirectly वो ये बता रहा है कि employee ने willfully वो job नहीं छोड़ा है. वो कह रहा है कि क्या job employee के ill health की वजह से discontinue किया जा रहा है, या employer का business ही discontinue हो रहा है, या फिर ऐसा कोई factor है जो employee के control के बाहर है. If yes, then again the amount will be exempt. If no, तो हम लोगों को evaluate करना है. Is the entire balance standing to the credit of employee transferred to his individual account in any RPF maintained with his new employer? अगर employee new organization में अपना job switch कर रहा है, तो क्या उसका old RPF account का balance उसके new employer के साथ employee के maintain किए गए RPF account में transfer किया जा रहा है? If yes, then it is exempt. If no, then the amount will be taxable. या फिर हम लोगों को ये evaluate करना है, is the entire balance standing in the account of the employee transferred to his NPS account? NPS is National Pension Scheme account referred to in section 80CCD and notified by the central government. If yes, then again it will be exempt. If no, then it will be taxable. Employee का जो amount RPF account में balance पड़ा है, उसे अगर new employer के साथ RPF account में continue किया गया, या NPS account में transfer किया गया, जो के section 80CCD के हिसाब से होना चाहिए, तो वो जो amount होगा, वो exempt हो जाएगा. अगर ये दोनों cases नहीं है, तो वो amount taxable हो जाएगा. Unrecognized provident fund के taxability के लिए illustration दिया हुआ है. Mr. A retires from service on 31st December 2019 after 25 year of service. Following are the particulars of his income and investments for the previous year 2019-20. Basic pay at the rate of rupees 16,000 per month for 9 months. 9 months क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम लोगों को date of retirement 31st December दिया हुआ है. So this is the amount from 1st April to 31st December. Rupees 1,44,000. Dearness pay 50% forms part of retirement benefits. Rupees 8,000 per month for 9 months. Rupees 72,000. Lump sum payment received from unrecognized provident fund. Rupees 6 lakh. Deposits in PPF account. Rupees 40,000. Out of the amount received from unrecognized provident fund, employer's contribution was rupees 2,20,000 and interest thereon is rupees 50,000. The employee's contribution was rupees 2,70,000 and interest thereon rupees 60,000. What is the taxable portion of amount received from unrecognized provident fund in the hands of Mr. A for the assessment year 2020-21? अब इस scenario में हम लोगों को employer's contribution or interest and employee's contribution or interest का bifurcation क्यों दिया हुआ है, वो हम लोगों ने प्रोविजंस में डिस्कस किया. आइए तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं. सॉल्यूशन में दिया हुआ है, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज कंप्यूटेड हियर अंडर. अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज विल बी एम्प्लॉयर्स शेयर इन द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो ईयर ऑफ रिसिप्ट में अंडर द हेड सैलरीज टैक्स किया जाएगा. तो वही यहाँ पे उसने लिया है रुपीज 2,20,000 और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर शेयर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट होगा वो सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होगा. तो सैलरी के हेड में टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा रुपीज 2,70,000. दिस इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन. फिर उसमें दिया हुआ है अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो है रुपीज 60,000. टोटल अमाउंट टैक्सेबल फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द fund will be rupees 3,30,000. उसने नीचे नोट दिया है, since the employee is not eligible for deduction under section 80C for contribution to unrecognized provident fund at the time of such contribution, the employee's share received from unrecognized provident fund is not taxable at the time of withdrawal as the amount has already been taxed as his salary income. Employee's contribution yearly basis pe salary head mein already tax ho chuka hai, isiliye hum log use at the time of withdrawal consider नहीं करेंगे. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में वो बोल रहा है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द फंड मेंशन्ड अबव वाज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. सॉल्यूशन में दे रहा है, सिंस द फंड इज कंसीडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड वन एंड द मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस आफ्टर अ सर्विस ऑफ 25 इयर्स, द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ये हम लोगों ने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस पढ़े, उसके बेस पे आंसर दिया है. क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि मिस्टर ए
ने 25 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद जॉब छोड़ी है, तो हम लोगों को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए दिया था कि मिनिमम 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो हमारे इस एग्जांपल में अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ ट्रिकी पॉइंट्स रिलेटिंग टू द हेड सैलरीज। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजपाल सरल अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।